सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे और मस्त हो गए और मजे कर रहे हो गए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी आप लोगों को मालूम है कि यार हमारे घर की ओर आ चुका है बाढ़, मतलब हिंडन का पानी जो है हमारे घर काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, घर की ओर आ रहा है। सबकी कॉलोनी डूब चुकी है, हमारे घर डूब चुका है और हमारे घर के अंदर 1.5 फीट पानी है। और भाई, अंदर का क्या सिचुएशन है कुछ पता नहीं है, क्योंकि ना हमने घर को लॉक ऑफ करके वहाँ उस जगह को छोड़ के आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं अभी हूँ चाचा घर पर मोटा गाँव में, और यहाँ पर हम लोग हैं 2 दिन से। तो अभी एक्चुअली आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने ले लिया एक रूम रेंट पर। तो अभी कुछ देर में निकल जाएंगे, थोड़ी तेज़ तेज सब लोग नीचे हैं, तीनों भाई और मैं छत पर हूँ। तो आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि गाइस, आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि हमारे घर में 1.5 फीट पानी घुस चुका है, और अगर हम लोग मेन रोड पर जाते हैं तो भाई वहाँ पर 11 फीट पानी है, और उस 11 फीट पानी में भाई कोई भी डूब सकता है। और सुन, न्यूज़ में आया है कि कल रात 12 बजे ना एक दो लोगों की मौत हो चुकी है उस पानी के अंदर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदा सिचुएशन हो गया है भाई, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है उधर। अब भाई पता भी नहीं है पानी कब तक वहाँ पर कम होगा, तो कुछ पता नहीं है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट मिलता रहेगा, और आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि भाई क्या सिचुएशन है ना, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ये हिंडन का जो बाढ़ का है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि जो पानी है नोएडा के साइड जा रहा है धीरे धीरे, भाई नोएडा भी डूबने वाला है। देखते हैं क्या क्या डूबता है भाई, हिंडन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पता चल गया आज। अभी उस जगह पे पता है कौन काम कर रहा है, अभी उस जगह पे कर रही है NDRF की टीम काम कर रही है। और कल उन लोगों को 2 लोगों की लाश मिली थी, जो कि नदी में मतलब वही बाढ़ में डूबने की वजह से हुआ है। और पता नहीं रात को 12 बजे वो दोनों क्या करने गए थे, रात को सुनने में यही आया कि रात के 12 बजे वो लोग गए थे, एकदम क्लियर न्यूज़ नहीं मिली है, बट यही सुनने में आ रहा है कि रात को 12 बजे वो लोग निकले थे बाढ़ में, पता नहीं किस लिए, अब किस पर्पज़ से गए थे ये नहीं पता, बट उनकी मौत हो चुकी है भाई। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, पानी पता है 11 फीट पानी है, 11 फीट भाई बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आदमी को डूबने में समय नहीं लगता बिल्कुल भी, पता नहीं उनको तैरने आता था नहीं आता था, चले गए बस पानी के अंदर, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। तो बस आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती रहेगी टाइम टाइम पर, अगर हो सके तो टाइम टाइम पर मैं देता रहूँगा आपको छोटी छोटी अपडेट। 45 साल बाद ऐसा कोई सिचुएशन आया है, मतलब हिंडन अपने विशाल रूप दिखा रहा है, 45 साल बाद इतना बड़ा भाई खतरनाक बाढ़ आया है यहाँ पर, वैसे पहले कभी आया नहीं था, बट कोई नहीं, अब जो होना होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी देखते हैं कब तक ये ऐसा रहता है, तो आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ अभी लाइव अपडेट वहाँ पर, मतलब क्या हो रहा है, कैसा सिचुएशन है। तो फिलहाल आज हम लोग चाचा घर से जाने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी एक जगह रेंट पे रूम ले लिया है, तो पापा वो वहीं पर हैं, तो हम लोग चारों भाई यहाँ चाचा के यहाँ थे, तो आज हम लोग भी चले जाएंगे वहाँ पर। और प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ से अनुराग आयुष और रितेश का स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए तो हमने वहीं पर ले लिया जहाँ पहले हम लोग रहते थे ना, पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहीं पर हमने एक रेंट पर रूम ले लिया है, तो वहाँ पर थोड़ा ईजी रहेगा आना जाना, और वहाँ से काफ़ी पास भी पड़ेगा, तो यहाँ से चाचा घर से बहुत दूर पड़ता है थोड़ा, तो इसीलिए तो अभी रेंट पे रूम लिया है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं चारों भाई। तो हम लोग यहाँ पर चाचा घर पे 2-3 दिन से थे, और फिलहाल मज़ा आया। तो जो भी प्लीज़ चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।